क्वेश्चन डिजिटल ग्रीन जॉब M.2 SSD सॉलिड ड्राइव। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे SSD का सरफेस टेस्ट करना है। तो पहले आप जैसे कोई भी SSD खरीद के लाते हो तो उसका पूरा हेल्थ ठीक है या नहीं, कोई बैड सेक्टर है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। मिनी टूल्स पार्टीशन विजर्ड टेक्नीशियन 11.6 मैंने यूज किया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पूरा SSD जो मैंने खरीदा था WD का 240 GB M.2 SSD है, तो उसका इफेक्टिव साइज देखिए 223.57 GB है। तो उसमें कोई बैड सेक्टर है या नहीं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स दिखा रहा है। तो इसमें आप लोग अगर जाएंगे तो इधर हम लोग कर दिया इसको, तो अभी देखिए एक एक करके ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें कोई भी बैड सेक्टर अगर आएगा तो वो रेड हो जाएगा, आप देख सकते हो। ग्रीन है मतलब ये जितना भी सेक्टर है वो अभी ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने तक हम लोगों को पता चलेगा कि ये किसी जगह पे इसका प्रॉब्लम है या नहीं। तो अभी लास्ट 16 मिनट से ये एनालिसिस हो रहा है, उसमें कोई भी टू को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से मिल जाएगा सरफेस टेस्ट। तो DX2 क्यों है, क्योंकि जो DX1 है वो मेरा लैपटॉप का प्राइमरी डिस्क है और DX2 वाला जो है वो SSD है। तो ये SSD को सिलेक्ट करके आपको सरफेस टेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि SSD का क्वालिटी पूरा ठीक है या नहीं। ये पूरा कंप्लीट होने में लगभग आधा घंटा से 40 मिनट टाइम लगेगा। कोई भी ब्लॉक में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उधर रेड हो जाएगा, और कोई ब्लॉक में अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो ग्रीन रहेगा। तो अभी तक जितना भी ये हुआ है ये किसी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो। तो देखिए 50% कंप्लीट हो गया एंड टाइम लगा आपका 12.5 मिनट करीब, और भी 12 मिनट बाकी है, तो टोटल 25 मिनट करीब ये टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। तो अभी देख सकते हो ये 98% कंप्लीट हो गया और कुछ ही ब्लॉक बचा है। तो इसमें अभी डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्रीन है, मतलब कोई रीड एरर नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंटिन्यूअसली हर एक ब्लॉक में डेटा को राइट करता है, उसके बाद रीड करके देखता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें कोई भी एरर अभी तक नहीं आया है, जस्ट कंप्लीट होने वाला है, अभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस को हम लोग एंड कर देंगे। तो इससे आप अपना जो SSD है उसको चेक कर सकते हो। देखिए सरफेस टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो उसमें नो एरर फाउंड। तो पूरा जितना भी ब्लॉक है मेमोरी का SSD का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल देन यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर्स।